فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ, हम्द सना की बड़ाई व बड़ाई, जो निहायत ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है, बड़ी अलहम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे आप नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कयामत कि सुबह तक दूर सलाम की डालियाँ निछावर हो। अल्लाहुम्म सल्ली अलैहि अल्लाहुम्म बारिक अलैहि। ब्रदराने इस्लाम, रमजान मुबारक का ये पाक महीना हमारे दरमियान से कूच कर रहा है, सफर करते हुए आगे की ओर निकल रहा है। एक तिहाई को खत्म कर लेने के बाद ये दूसरी तिहाई हमारे दरमियान से गुजर रहा है। करीब एक वक्त वह आएगा कि रमजान का पूरा महीना गुजर जाएगा और हम जहां थे फिर वहीं लौट आएंगे। बात मुख्तसर सी होगी कि रमजान मुबारक का महीना कितना बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की कौन कौन सी नियामतें हमें देखने को मिलती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का रहम करम हम पर, हम मुसलमानों पर आम हैं, और कौन से रहम करम खास हैं, इसके बारे में चंद बातें आपके सामने बयान करूंगा। मैं मुनासिब समझता हूं कि आप लोग आगे जगह बनाकर बैठ जाएं ताकि पीछे आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, जितना सट सकते हो आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि रमजान का महीना है, लोगों का थोड़ा तकलीफ होता है। बरादराने इस्लाम, यह रमजान मुबारक का महीना शुरू होते ही अपना जलवा बिखेरना शुरू करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महीना जब से शुरू होता है तब से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान के तमाम दरवाजों को खोल देता है और जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर देता है, और जितने भी शैतान हैं उसको जकड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम रमजान मुबारक के महीने में गुनाह के काम क्यों कर लेते हैं? हालांकि आम 11 महीनों में लोग इबादत भी करते हैं, गुनाह के काम भी करते हैं, लेकिन 11 महीने के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या नबी के तरफ से कोई एक रिवायत ऐसा नहीं मिलता है जिसमें यह कहा गया हो कि शैतानों को जकड़ दिया जाए। लेकिन रमजान मुबारक का पाक महीना जब हमारे दरमियान आता है, रब्बे कायनात तमाम शैतानों को जकड़ देता है, लेकिन जकड़ने के बावजूद भी हम मुसलमान गुनाह में मुलव्वस क्यों हैं? क्यों हमारे अंदर गुनाह पाए जाते हैं? आज हम मुसलमान हैं, हम नौजवान भी हैं, हमारे अंदर सेहत भी है, हम सेहत याफ्ता होने के बाद, सेहतमंद होने के बाद, मालदार होने के बाद, सही सालिम रहने के बाद भी अगर हम रमजान के रोजे नहीं रखते हैं तो कहीं समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर खराबी आई कहां से। हालांकि रब्बे कायनात कहता है कि रमजान मुबारक का महीना ये पाक और बाबरकत वाला महीना है कि महीना शुरू होते ही आसमान के तमाम दरवाजों या जन्नत के तमाम दरवाजों पर अल्लाह खोल देता है। यानी इस महीने में मुसलमानों को ये वफर होता है कि तुम अपने पिछले तमाम गुनाहों को बख्शवा सकते हो। अपने परवरदिगार से दुआ करो, आओ इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लो। इस महीने के तमाम रोजों को जिस तरह से अल्लाह के नबी ने रखने का हुक्म दिया है उसी तरह से महीने के तमाम रोजों को रखो, और इस महीने के जो अहकाम तुम पर फर्ज किए गए हैं उस पर अमल करो और उसी मुताबिक अपने रोजे को मुकम्मल करो, जिस तरह से अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा और नबी ने हदीसों के अंदर बयान फरमाया।
फरमाया ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो जाए, और जब तुम्हारे अंदर तक्वा आ जाएगा तो रब कायनात कुरान के अंदर इशारा फरमाता है, तिलकल जन्नतु लती नूरिसु मिन इबादिना मन काना तक्या, ऐ मेरे बंदो मैं अपने बंदों में से जन्नत का हकदार उसी बंदे को बनाऊंगा जिसके अंदर तक्वा होगी, जो बंदा परहेज़गार होगा मुत्तकी होगा मैं उसी को ही जन्नत का वारिस बनाऊंगा। मुत्तकी चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को, जिसके अंदर तक्वा होगा, जो अल्लाह का परहेज अल्लाह का डर अपने दिल में रखेगा, अल्लाह का खौफ रखेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैं जन्नत का वारिस उसी बंदे को बनाऊंगा। और तक्वा हासिल करने के लिए बहुत सारी इबादतें हमें करनी पड़ेंगी, उनमें से एक इबादत है रमजानुल मुबारक के रोजे रखना। जैसा कि हमें मालूम है कि रब्बे कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम पर तो रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह से तुमसे भी पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा परहेजगारी आ जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, और तक्वा जब तक हमारे दिल में न आए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत का वारिस नहीं करा देगा। लेकिन रमजान का महीना आज दो तिहाई गुजरने को है, आज से एक दो दिन के बाद रमजान के 20 रोजे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आखिरी अशर आएगा वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा अमल कहाँ गया, हमारी नेकियां कहाँ हैं, इस नेकी की लालच इस नेकी की आस सहाबा इकराम रमजान मुबारक के महीने शुरू होने से भी पहले किया करते थे। इतना बाबरकत महीना, इतना पाक और साफ महीना, इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान जैसी मुकद्दस किताब को भी नाजिल किया है, और इस महीने में एक रात ऐसी है, इस रात का सवाब का क्या कहना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन काम लैलतुल कद्र ईमानं व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, जो कोई भी ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से कद्र वाली रात को जागता है, शबे कद्र को क़याम करता है, जो कोई भी ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद से नेकी की उम्मीद से लैलतुल कद्र की रात को पा लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके पिछले तमाम गुनाहों को बख्श देता है। बड़े सुभान, एक रात ऐसी है इस महीने में, इस महीने की एक रात को अगर कोई बंदा कोई मुसलमान पा ले और उस महीने में अपने परवरदिगार से तौबा व इस्तिगफार करे, नमाज़ें अदा करे, कुरान की तिलावत करे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रहम और करम से माफ फरमाता है। और रब कायनात ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र, हमने कुरान को कद्र वाली रात में शबे कद्र में नाजिल किया, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या जानते हैं कि कद्र वाली रात क्या है, हमने कुरान को तो कद्र वाली रात में नाजिल किया, ये रात ऐसी रात है जिस रात की एक रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि कद्र वाली रात क्या है, लैलतुल क़द्र, वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, ऐ मोहम्मद क्या आप जानते हैं कि कद्र वाली रात क्या है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, कि कद्र वाली रात तो वो रात है जिस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से भी ज्यादा बेहतर अफजल है। अगर कोई एक बंदा कद्र वाली रात को पा लेता है, जाग लेता है और उस रात को कुरान की तिलावत करता है, नमाज़ें अदा करता हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा व इस्तिगफार करता हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम उसको 1000 साल की इबादत के बराबर उसको सवाब देता है। अगर उसको हम साल में डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि 83 साल 6 महीने के बराबर जितनी इबादत की नेकियां हमको मिलती है एक रात की इबादत के बदले में हमको मिली है। और ये रात सिर्फ उम्मत मुहम्मदी के लिए है, दूसरी उम्मत को नहीं दिया गया था। सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के नबी हम को छोड़कर आपकी उम्मती को छोड़कर दूसरे नबियों की उम्मत को 600 साल 700 साल 800 साल तक की जिंदगी गुजारी, किसी को 1000 साल की जिंदगी मिली, तो उन लोगों की इबादत जाहिर है कि जो लोग ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे उसकी इबादत ज्यादा होगी, जो लोग ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे वो नेकी का अमल ज्यादा करेंगे, लेकिन हमारी उम्र तो कम है, 60 साल 70 साल की जिंदगी हमारी है, तो हम उन नबियों की उम्मत का मुकाबला कैसे करेंगे। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैगाम दिया कि मेरे नबी आप अपने उम्मत के लोगों से कह दीजिए कि गम ना करो, तुम परेशान ना हो,
तुमको इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया है जो मर्तबा किसी और नबी को नहीं मिला था, जो रुतबा किसी और नबी की उम्मत को भी नहीं मिला था। क्या रुतबा, क्या मर्तबा? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, यह ऐसी रात है जिस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से भी ज्यादा है। और यूं ही ज्यादा नहीं है, ये रमजान मुबारक का महीना और इस रात का आना, इस रमजान मुबारक महीने की चार बड़े फजाइल को बयान करता है लैलतुल क़द्र। ये लैलतुल क़द्र यूं ही अफजल और यूं ही बेहतर नहीं कहा गया है, बल्कि इसके उलमा इकराम चार बड़े फजाइल बताते हैं। इस रात की फजीलतों में से एक पहली फजीलत यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रात को कुरान करीम को नाज़िल किया। और कैसे कुरान? ऐसे कुरान हुदा लिन्नास, जो लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया है। ये शबे कद्र की फज़ाइल में से एक फज़ीलत यह है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाज़िल किया, जो कुरान इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। ये अलग बात है कि हम मुसलमान उसको पढ़कर उस पर अमल नहीं करते हैं। कुरान को पढ़कर अमल करेंगे, उसको समझेंगे, तभी हमारे लिए हिदायत का जरिया होगा। अगर नाक में हम सजाए रखते हैं कुरान को, आज हम हमारे घर में अगर कुरान मौजूद हो तो हम क्या कहते हैं, उसको अच्छी तरह से संवार के रखना चाहिए। उसको अच्छे संवारना क्या, किसी जिल्द में घुसे के अच्छे से बढ़िया से उसको कागज में लपेट के किसी ऊंची जगह में रखते हैं, ये इज्जत की वजह से, ये इज्जत नहीं है। कुरान से अगर आपको मोहब्बत है, लगाव है, तो रोजाना एक रूटीन बनाइए, एक श्लोक तैयार कीजिए कि हमें फजर के वक्त दो या चार सफा पढ़ना है, फिर जोहर के वक्त दो या चार सफा पढ़ना है, अस के वक्त दो या चार सफा पढ़ना है, फिर मगरिब के वक्त दो या चार सफा पढ़ना है, फिर ईशा के वक्त दो या चार सफा पढ़ना है। अगर एक शेड्यूल बनाएंगे, एक रूटीन बनाएंगे, तो इंशाअल्लाह कुरान हमारे दिल से हमेशा चिपका रहेगा, हम उसको हमेशा अपने हाथ से लेकर रहेंगे, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने पर हमको जो कुरान से मोहब्बत हो जाएगी, तो रब्बे कायनात फरमाते हैं कि जो कुरान को समझ कर पढ़ेगा तो हम यकीनन उसके दिल में ईमान की रोशनी को बुलंद करेंगे, ज्यादा करेंगे। जो कुरान को समझने की कोशिश करेगा, उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए रास्ते हमवार कर देंगे, उसके लिए आसानियां कर देंगे, उसके तमाम मुश्किल को अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर करेगा। लेकिन कब दूर करेगा? जब हम कुरान को समझेंगे, कुरान के मसले के, कुरान के अहकाम को जानेंगे। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, मैं यत्तकिल्लाह यजअलुल्लाहु मखराजा, कि जो कोई अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखता है, अल्लाह का तक्वा रखता है, जो कोई अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखता है, तो अल्लाह उसको तमाम मुसीबतों से निकलने का रास्ता दिखा देता है, तमाम मसाइब से निकलने का रास्ता बता देता है। लेकिन ये बात हमें कब समझ में आएगी? जब हम कुरान तिलावत करेंगे तब ना, जब उनके मानी और मफाहिम को समझेंगे तब। कुरान को सिर्फ जब क्या कहते हैं, मदद पढ़ लेना काफी नहीं है। आज के दौर में हमारा रिवाज बन गया है कि अगर हम बच्चों को मकतब में भेजते भी हैं तो सिर्फ मदद तक है, किसी तरह से उसको कुरान पढ़ना आ गया, मतलब कुछ मखरज तो दूर की बात है, किसी तरह से कुरान पढ़ना आ गया, हमारे अंदर फख्र आ जाती है कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना नहीं आता। लेकिन कुरान को सिर्फ मदद पढ़ लेना काफी नहीं, कुरान के एक एक मीनिंग को, तर्जमा को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान हमें क्या क्या दर्स देना चाहता है, कुरान क्या बताना चाहता है। ऐ बंदो, ऐ मेरे मुसलमानों, तुम अगर अल्लाह की इबादत न करोगे, अगर तुम अल्लाह के सामने न झुकोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें तमाम मामूलात बातिला के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। आज वही मामला हमारे सामने मौजूद है। अगर हम अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह के सामने नहीं झुक रहे हैं, अगर हम अल्लाह को भूले हुए हैं, अल्लाह को छोड़कर अपनी जिंदगी गुजारने पर उतारू हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आज हमें तमाम लोगों के सामने झुका रहा है। क्या हम इस बात को गौर करते हैं? फजर के वक्त अजान हो रही है, नमाज का वक्त हो रहा है, दिल कह रहा है अभी थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ी देर बाद जागना है, अभी हम दिल के गुलाम बन गए। अजान आ रही है, अल्लाह दिल जान के भी पुकारने वाला पुकार रहा है, लेकिन दिल क्या कर रहा है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, दिल का गुलाम। जोर के वक्त अजान हो रही है, तिजारत में लगे हुए हैं, सामान बेच रहे हैं, फिर अजान आ रही है, अय्या अलसला, उस वक्त फिर अजान के वक्त कान में आवाज आ रही है, फिर हम कह रहे हैं थोड़ा सा बेच ले, वहां पर हम तिजारत का गुलाम। अगर मुसलमान अपनी जिंदगी को देखेंगे सुबह से शाम तक कि हमारी फजर की नमाज क्यों छूट रही है, हमारी जोहर की नमाज क्यों छूट रही है, असर की नमाज क्यों कज़ा होगी भाई, मगरिब की नमाज
नमाज क्यों छूटेगी, ईशा की नमाज क्यों छूटेगी, तो हमें पता चलेगा कहीं ना कहीं हम किसी की गुलामी करते हुए अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, अपने रब को नाराज कर रहे हैं। दुनिया राजी करते करते रब नाराज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रब को राजी करते करते दुनिया को नाराज कर दे हमको बनते नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। मेरे भाई और दोस्तों, रब कायनात ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़ल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। लैलतुल क़द्र तो हजार महीनों की इबादत से भी ज्यादा बेहतर है, क़द्र व मंज़िलत के एतबार से, सवाब के एतबार से। इसी रात को तमाम फरिश्ते और जिब्रील अमीन दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से तमाम मामला का फैसला लाकर दुनिया के अंदर बयां कर देता है। इसी रात को लैलतुल कद्र की रात को ही अल्लाह रब्बुल आलमीन अगले एक साल के जितने मामला तय करता है वो तमाम मामला को फरिश्तों के जरिए दुनिया के अंदर नाफिज कर देता है कि अगले एक साल तक क्या करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका फैसला कर देता है। हर एक मामला दरअसल मलाइका व रूह फीहा, उस रात को फरिश्ते और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, अपने रब के हुक्म से तमाम मामले को लेकर, तमाम फैसलों को लेकर नाजिल होते हैं। तो इस रात की दूसरी बड़ी फजीलत है कि इस रात में फरिश्ते और जिब्रील इस दुनिया के अंदर आते हैं। और तीसरी फजीलत, इस रात को तमाम मोटे मोटे अमल का फैसला किया जाता है, अहकाम का फैसला किया जाता है अल्लाह के जानिब से। तीन फजीलत हो गए, और चौथी फजीलत यह है कि इस रात की इबादत हजार महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। इस रात की चार बड़े फजाइल हमको मालूम हो गया कि इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे कुरान मजीद को नाजिल किया जो इंसान के लिए सराफा हिदायत है। सिर्फ मुसलमानों के लिए कुरान हिदायत नहीं है, बल्कि कायनात के तमाम मखलूकात जो इसको समझना चाहे, जो इसको पढ़ना चाहे, जो इसके अंदर गहराई में छापना चाहे, तमाम लोगों के लिए, तमाम फिरकों के लिए, तमाम अकवाम के लिए यह कुरान हिदायत है। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इस रात को फरिश्ते और जिब्रील अमीन सारे के सारे इस दुनिया के अंदर नाजिल होते हैं। और तीसरी फजीलत इस रात किया है, एक रात इस रात में तमाम बड़े अहकाम का फैसला अल्लाह के जानिब से किया जाता है। और चौथी फजीलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह के अंदर यह बताया कि एक रात को अगर कोई बंदा जागता है तो हजार महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर होता है। और यह रात कब तक सलामती रहता है, तब कायनात फरमाता है कि फरिश्ते तो आते हैं, नाजिल होते हैं रातों को, लेकिन यह रात सलामती वाली रात है। यह रात अमन वक्त सलाम का पैगाम देती है, यह रात फज्र के वक्त तक सलामती वाली रात है। यानी फरिश्ते इस रात को आते हैं और फज्र के वक्त तक इस दुनिया के अंदर रहते हैं और लोगों के लिए दुआ करते हैं। नहीं तो हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं समझ लूं कि लैलतुल क़द्र रात आ गई है तो मैं क्या करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू कह अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार तू माफी को पसंद करने वाला है, तू अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम, ऐ अल्लाह ऐ माफ करने वाले तू मुझे माफ कर दे, इसलिए कि तू माफी को पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफतों में से एक बहुत बड़ी सिफत यह है कि अगर बंदा गुनाहगार कितना भी हो, रब के सामने अपने गुनाह का इकरार कर ले, झुक जाए रब के सामने, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने ना समझी में या दानाई में जो गुनाह किया है।